हेलो जी सर, पहले तो परिचय दीजिए। हाँ, मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आज आप ईवीएम के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और दिन भर से आप मंदिर मार्ग थाना में डिटेन थे, तो क्या कहना चाहेंगे? लगभग 125 लोगों को हमको सवेरे 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक थाना मंदिर मार्ग साइबर थाने के अंदर में हमको रखा गया, और जब डिटेन कर रहे थे वो लोग वहाँ से, तो हमने पूछा कि भाई हमारा अपराध क्या है, आप हमको कहाँ लेके जा रहे हो? ईवीएम के विरोध में हमारा प्रोटेस्ट है, ये जंतर मंतर पर पूर्व निर्धारित पूर्व घोषित हमारा आंदोलन है। ये उदित राज जी ने और वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ये आंदोलन घोषित था, तो उन्होंने कहा कि आपने धारा 144 लगी हुई है, सरकार मनाही कर रही है इस काम के लिए, फिर भी आप आए हो तो आपको ये आंदोलन नहीं करने देंगे। हमने कहा कि धारा 144 जो है वो आर्टिकल 19 से बड़ी नहीं है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, और मोदी सरकार कहती है हमने 1200 कानून बदलने का काम किया है अंग्रेज़ों के समय के, 1824 कानून और बदलने के लिए विचार में हैं, तो एक कानून जो धारा 144 का कानून है आईपीसी के तहत, वो भारत के संविधान का उल्लंघन करने का काम कर रहा है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, तो आखिर इस पे आधार पर लोगों को अपनी बोलती बंद करने का काम ये बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? ये बात है। और ये आंदोलन सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनकी गले की हड्डी बन गई है आज ईवीएम मशीन, वो मजबूर है कि हम करें तो करें क्या, निगलने की बन रही है ना उगलने की बन रही है। ये देश के लोगों को समझाने के लिए, सामान्य मतदाताओं को समझाने के लिए एक दशक का समय लगा है, लगभग 10 साल का समय लगा है, और जो चुनाव आयोग आज ईवीएम की निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए 4200 विधानसभाओं के अंदर में जो बैन भेज रहा है, जो छोटे छोटे गाड़ियों को भेज करके कि ईवीएम मशीन एकदम फुल प्रूफ है, सोने की धुली हुई है, दूध की धुली हुई है, वो जैसे मदारी डुबडुबी बजाने का काम करता है, मोहल्ले बस्तियों में पैसा कमाता है, पेट पालने काम करता है, वो भारत का चुनाव आयोग जो काम 2024 में करना चाहिए समझाने का काम, वो आखिरकार 20 साल के बाद में इस काम को कर रहा है। 20 साल से घोटाला हो रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, कांग्रेस कर रही थी, अभी बीजेपी कर रही है, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। आज कांग्रेस को समझ में आया है, जब उसकी सत्ता नहीं है, विपक्ष में बैठी हुई है, तो वो इसमें इस मूवमेंट को लेकर के आंदोलन में साथ देने का काम कर रही है। अच्छी बात है, शाम का भूला अगर सुबह भटका हुआ घर आ जाए, या सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए, तो अच्छी बात है। कांग्रेस को अगर अकल आ रही है तो वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस काम को कर रही है, तो अच्छी बात है। हमारा भी ये लड़ाई है, हमारा ही समर्थन है, और मिल करके ही, ये मिलजुल करके ही बीजेपी को यहाँ समाप्त करने का काम 2024 में हम लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा बदलाव है, मोदी का पाप का घड़ा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। सरकार का डर मानते हैं कि सरकार डरी हुई है, जिस तरह से डिटेन किया गया, इतने अलग अलग थानों में रखा गया है लोगों को, कई हजारों की संख्या में लाखों तक पहुंच गई है। सरकार तो 31 तारीख को ही डर गई थी, वो 31 तारीख को जो लाखों का जमावड़ा 31 जनवरी को पहले से ही वामन मेश्राम के नेतृत्व में जो घोषित किया गया था, उसी समय से सरकार दहशत में थी, वो फिर और डर गई कि अगर 22 तारीख को, आज की तारीख में भी 22 फरवरी को भी अगर ये आंदोलन सफल हो गया, तो जो मशीनें घूम रही हैं वो मशीनों को भी लोग जो है वहाँ खदेड़ने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग की मशीनों को वहाँ भी विद्रोह करने का काम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड में सारे देश भर में आ रहा है। भारत के मतदाता जागरूक मतदाता हैं, वो जान गए हैं, और जो बीजेपी के लोग हैं वो मोहल्ले मोहल्ले के बस्ती बस्तियों में जाकर के जनता उनको पीटने का काम कर रही है, वो अपना बचाव कर रहे हैं। आखिर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं 24 के लिए? वो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसमें भी वो फेल हो गए, उनका भी सारा का सारा खात्मा हो गया, अभी कोई मुद्दा बचा नहीं है। 10 साल में कुछ किया तो है नहीं सरकार ने, तो आखिर किस आधार पर वोट मांगे? हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को जो बरगलाने का काम करते थे, वो इस देश में वामसेव नाम के संगठन ने, भारत मुक्ति मोर्चा, वामन मेश्राम नाम की शख्सियत ने पूरे देश के अंदर में बेदारी लाने का काम किया है।
जागरण करने का काम किया है, इसलिए हिंदू मुस्लिम के कार्ड पर अभी वो फंसने वाले नहीं हैं। वो देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलजुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये मुट्ठी भर विदेशी लोग हैं डीएनए के अनुसार, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा, मगर हम भागने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ये भागना चाहेंगे, भागने नहीं देंगे, इनको इधर ही रखेंगे। और इनके ऊपर में जो चर्बी चढ़ी हुई है वो इनको पत्थर तोड़वा करके, इनसे नालियाँ साफ करा करके इधर ही रखा जाएगा इनको। आखिरकार ये जो चर्बी चढ़ी है मूल निवासियों का माल खा खा करके, वो चर्बी पिघलाने का काम भारत के मूल निवासी लोग करेंगे जब अपनी सरकार बनाएंगे। ये इनको भागने नहीं देंगे किसी कीमत पर। क्या अनुभव रहा है आज का सुबह से लेकर? देखिए, संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन कर रहे थे। आज का जो आंदोलन है वो हम मेसराम साहब के नेतृत्व में चल रहा था, उदित राज भी इसमें ज्वाइंटली थे। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस और बीजेपी डर क्यों रही है? इसलिए डर रही है कि उनका भंडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है उनके कंट्रोल में काम कर रहा है। उनकी अवकात पता चली है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से वो चुनाव जीत नहीं सकते, ईवीएम मशीन के माध्यम से वो चुनाव जीत सकते हैं लेकिन लोगों के वोटिंग द्वारा नहीं जीत सकते। इसलिए ईवीएम मशीन उनके समर्थन में है लेकिन जनता उनके विरोध में है। आज हजारों के तादाद में लोगों को डिटेन किया, कार्यकर्ता पदाधिकारी को डिटेन किया, लेकिन आज का जो अनुभव रहा, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी आरएसएस के कहने पर हमें पानी तक नहीं दिया। खाना तो दूर की बात है, खाना तक नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। इतनी नालायक गवर्नमेंट अगर किसी के देश में हो तो ये केवल हमारे देश में, भारत देश में है। चुप करिए सर, साइड पर कर लीजिए। इसलिए नालायक गवर्नमेंट इसको मैं कहता हूँ, इनकी अवकात नहीं है। जो एसएचओ है, जो उनका अधिकारी है, उनको बार बार हमने फ़ोन किया, पार्लियामेंट अधिकारी को, उन्होंने कहा कि हम खाना भिजवा रहे, लेकिन 6 घंटे होने के बावजूद भी उन्होंने खाना नहीं भिजवाया। तो हमने उनके ऊपर अभी कंप्लेंट करने वाले हैं, अभी मैसेज भेजा है उसको, मैंने ये मैसेज भेजा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन आप लोगों ने किया है, आपकी कंप्लेंट मानव अधिकार विभाग और दिल्ली कमिश्नर के पास हम कर रहे हैं। धारा, दिल्ली पुलिस कह रही है कि धारा 147 लगी हुई है दिल्ली में, इसलिए जो प्रदर्शन पर पाबंदी है। पर बीजेपी ने कुछ दिन पहले जो है अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया है, क्या उनके लिए ये उनके लिए कोई धारा नहीं है। जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, जिसकी सरकार उसका कानून होता है। सरकार बहुजनों की नहीं है, इसलिए 144 है। अंग्रेजों ने ये इंडियन पिनल एक्ट बनाया था, इंडियन पिनल कोड एक्ट के तहत ये 19 आर्टिकल ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। 26 नवंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है, 19 आर्टिकल लागू है। तो 19 आर्टिकल का वायलेंस किया उन लोगों ने, उसके विरोध में भी हम कोर्ट में जाने में। एक तरफ किसानों का नाम लेकर यहाँ दिल्ली को बंद किया हुआ है, एक तरफ किसानों को दमन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज जो इतना जो काफ़ी समय से मांग उठ रही है ईवीएम के खिलाफ, तो कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी हिटलर के प्लानिंग पर काम कर रहा है। हिटलर ने भी किसानों को दबाया था, श्रमिकों को दबाया था, छात्रों को दबाया था, महिलाओं को दबाया था, मजदूरों को दबाया था। तो मोदी जो है एससी को दबा रहा है, शेड्यूल ट्राइब को दबा रहा है, घुमंतु जनजातियों को दबा रहा है, पिछड़ों की जातियाँ दर्द गिनती नहीं कर रहा है उनको दबा रहा है, किसानों को दबा रहा है, युवाओं को दबा रहा है। कितने दिन तक दबाएगा? वामन मेश्राम साहब ने हम केडर कार्यकर्ताओं के अंदर स्प्रिंग जैसी लीडरशिप डेवलप की है, जितना वो दबाएंगे उस तेजी से उभर कर आएंगे। प्रोटेस्ट को सफल मानते हैं क्या? प्रोटेस्ट आपका सफल हुआ जान? क्या प्रोटेस्ट को सफल मानते हैं? सफल हो गया। अगर महामोर्चा हम जंतर मंतर पर करते तो उसकी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी उन्होंने हमें अरेस्ट करके चर्चा देश भर में कर दी है। आगे क्या कहेंगे लोगों का, आगे का कदम क्या? अभी वामन मेश्राम साहब ने कहा है 15 लाख बूथ पर बूथ कमेटी खड़ी करनी है, ईवीएम फोड़ो कमेटी। सर, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से समर्थन कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इस देश में खासतौर से लोकतंत्र को आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने खतरे में डाल दिया है, और दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। इसके बावजूद
इसके बावजूद खास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना यह काफ़ी संवेदनशील और घातक है। 24 अप्रैल 2017 को बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेसराम साहब ने केस भी जीता BBPAT मशीन लगने के लिए, और वो पर्चियां निकल रही है लेकिन उसकी काउंटिंग ना हो इसके लिए 56C 56D 49M कानून बनाकर रोका, और कांग्रेस का सीनियर लायर अभिषेक मनु संघवी ने पिटीशन फाइल करके उसे रोकने का काम किया। तो ये मनुवादी लोग इस देश में लोकतंत्र के दुश्मन हैं, और आज वो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि वो संख्या में कम है, तो संख्या में कम होने की वजह से लोकतंत्र का सिद्धांत है जिसके अकाउंट में नंबर सपोर्ट होंगे वो रूलर होगा, हुक्मरान होगा। तो ये मनुवादी लोगों की संख्या ही 3.5% है, ये अपने संख्या के बुनियाद पे कभी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में हुक्मरान नहीं हो सकते। अगर बार बार हुक्मरान बन रहे हैं तो उसकी जड़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने वोट के अधिकार को ख़त्म करने का काम किया, प्रभाव शून्य करने का काम किया। तो आज EVM वोट के अधिकार पे नहीं चोट कर रही है इस देश में, जो नागरिक हैं उनके वोट के अधिकार पे नहीं चोट कर रही है, बल्कि भारतीय संविधान पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये लगातार चोट कर रहे हैं, और भारतीय संविधान के अंदर जो इस देश के OBC SC ST माइनॉरिटी को अधिकार है उन अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश भर में आज EVM के घोटाले से चुनी हुई सरकार इस देश के मुसलमानों पर, सिखों पर, आदिवासियों पर और पिछड़ी जातियों पर, अनुसूचित जातियों पर और महिलाओं पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार कर रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुने हुए लोग हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संवेदनहीन मशीन है, और संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक और सांसदों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश के नागरिकों के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति और उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार के प्रति संवेदनहीन होंगे। तो ये बातें साबित करती है कि आज उनके अंदर संवेदना नहीं है। इसलिए साथियों, हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का एक विशाल जनसमूह इस प्रोटेस्ट में EVM के खिलाफ जो आंदोलन है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेसराम साहब का, उस आंदोलन का हम हिस्सा है, और पूरे देश भर के मुस्लिम साथियों को मैं अपील करना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में माननीय वामन मेसराम साहब के साथ जुड़कर आज उन्हें संगठित होकर इस देश को बचाने की ज़रूरत है और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ हमें डिटेन किया गया है, और डिटेन करने के बाद निजी मुचलके पे हमें छोड़ दिया गया है, कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई है, लेकिन इन्होंने डिटेन करके मुझे रखा, और ख़ास तौर से सत्ता में बैठी हुई BJP के द्वारा ये का आदेश देकर डिटेन किया गया, जिसकी वजह से 24 घंटे लगभग हमारे लोग अलग अलग हिस्सों से आते रहे, अलग अलग समय पे उन्हें पुलिस डिटेन करती रही। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे डिटेन किया, यहाँ एक बड़ी संख्या में लोग मंदिर मार्ग थाने में लोग आए, लेकिन उन्हें पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, और हम संवेदनहीन मशीनों से चुने हुए ये सत्ता में बैठी हुई सरकार और प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। अगर होती तो ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण नहीं होती। साथ लगभग कितने लोग थे और उसमें बच्चे और महिलाएं, कोई संख्या बता सकते हैं? यहाँ एक बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में लोग एक टेम्परेरी स्थायी तौर पे जो मंदिर मार्ग थाने में कैंपस है, कैंपस के अंदर डिटेन किया, क्योंकि सेल में, जो जेल की सेल है, उसमें जगह नहीं थी कि इतनी मात्रा में लोगों को डिटेन कर पाए और रख पाए। तो उन्होंने ओपन हमें कस्टडी में लिया, जिसमें तकरीबन 150 की संख्या में महिलाएं और हजारों की संख्या में पुरुष शामिल थे आज के इस जो है प्रोटेस्ट में। आगे की कार्रवाई कैसे रहेगी और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आगे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में EVM को सरकार बैन नहीं करती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे बैन नहीं करता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि EVM से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं होने वाला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब मान लिया है तो ये लड़ाई जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते ये लोग, तब तक जारी रहेगी। और लास्ट सवाल,
सवाल है, केवल मंदर मार्ग थाने में रखा गया है या दिल्ली के और भी जो थाने हैं उनमें भी रखा? सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में देश भर से आया हुआ जनसैलाब था और प्रशासन के जो निजी वाहन थे वो कम पड़ गए, प्राइवेट वाहन स्कूल वैन्स और स्कूल बसेस को हायर किया और दिल्ली के अलग अलग सेंटर पे ही नहीं रखा, फरीदाबाद के बॉर्डर पे ले जाकर मैरिज हॉल में रखना पड़ा। इतना बड़ा जनसैलाब आज के इस प्रोटेस्ट में आया था तो सिर्फ मंदिर मार्ग थाने में ही नहीं रखा गया बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास के निकट थानों से बाहर ले जाकर संख्या को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे तो ये मैरिज लॉन्स में हमें अरेस्ट करने का काम किए। तो इतना बड़ा जन सैलाब जनशक्ति आज माननीय वामन मिश्राम साहब के एक आह्वान पे जंतर मंतर पे ईवीएम के खिलाफ आज इकट्ठा हुआ। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब को। सरकार को आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द अगर इस पर कोई फैसला नहीं लेते तो जो 15 लाख बूथों पे संगठन बनाने का और संगठन बनाकर एक कमेटी बनाने का अगर बैलेट पेपर से इस्तेमाल करते हैं और बैलेट पेपर पे चुनाव प्रक्रिया लाते हैं तो हम 15 लाख बूथों को इस देश के मूल्यवासी बहुजन को शासक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और नहीं अगर मानेंगे तो 15 लाख बूथों पे हम ईवीएम फोड़ने के लिए उन बूथों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी। ये भी कहना है कि आप बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, पिछले कुछ समय पहले के चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर में धांधली हुई। बैलेट पेपर में जो धांधली हुई वो रिकॉर्ड में आ रही है और उसके सीरियल नंबर है और बैलेट पेपर में घोटाला होता है तो आंशिक तौर पे 1% 2% हो रहा है लेकिन ईवीएम से होलसेल घोटाला हो रहा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। बैलेट पेपर से हुआ तब जो है अनिल मसीह जो वहाँ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, अधिकारी बनाया गया था, उसकी ये काली करतूत रिकॉर्ड में आई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर वहाँ फैसला दिया और जो बैलेट पेपर पे क्रॉस का चिन्ह लगाकर अनबैलेट किए गए मतों को उसने सही साबित किया और सही सत्यापन करके उसे अंततः जो है वहाँ के गठबंधन की पार्टी को के मेयर को जज उसे फेवर में फैसला देने का काम किया। तो बैलेट पेपर में चोरी पकड़ी जा सकती है, इसका उदाहरण चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो पकड़े गए लेकिन ईवीएम में कर रही जो चल रही गड़बड़ी है वो लोगों के सामने नज़र में नहीं आने वाली है। तो इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं लेकिन ईवीएम में फिजिकल वेरिफिकेशन का अभाव है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश अनुसार इस कार्रवाई को इस आदेश को जल्द ही अमल में लाए।